नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना इलाके में देर रात गेड़े वाली सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर पड़ोसियों ने डायल 100 पर सूचना कर दी तो तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और डीजे बंद कराने को कहा तो 3 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों द्वारा डायल 100 से पहुंचे एक पुलिसकर्मी के साथ जमकर मारपीट कर शासकीय कार में बांधा पहुंचाई गई और गाड़ी का सूचना बॉक्स भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद इंद्रगंज थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। FRB पर तैनात आरक्षक धर्मेंद्र सिंह तोमर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों का बैकग्राउंड भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर आरोपियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया गया होगा तो उसको भी जमींदोज किया जाएगा और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। थाना इंद्रगंज क्षेत्र अंतर्गत गेंडे वाली सड़क के पास में प्याग वाला मोहल्ला है, उसमें रात को किसी बर्थडे पार्टी में रात को 1:30-2 बजे लगभग डीजे जोर जोर से बज रहा था। इस पर से क्षुब्ध होकर किसी पड़ोसी ने फ़ोन लगाया 100 डायल पर और इसमें इवेंट प्राप्त हुआ पुलिस को, तो FRB का वाहन वहाँ पहुँचा डीजे बंद कराने के लिए। इस बात को लेकर युवकों ने पुलिस के साथ में मारपीट करी है और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, शासकीय कार्य में बाधा डाली है। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों के जांच पड़ताल और धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक बर्थडे कार्यक्रम था और बर्थडे पर डीजे बजाया जा रहा था।